हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। तो आज हम अप्रैल फर्स्ट वीक का लास्ट लेक्चर फिनिश करेंगे और इसमें हम एक्विजिशन, मर्जर्स और सेंसेटेक देखेंगे। और स्पोर्ट्स की ऐसा कोई स्पेशल न्यूज़ थी नहीं फर्स्ट वीक की, तो दो तीन न्यूज़ थी तो वो हम सेकेंड वीक में कवर करेंगे। और साथ में जो स्टेट्स की न्यूज़ होगी पूरे अप्रैल मंथ की, वो हम अप्रैल मंथ एंड होने के बाद पूरी स्टेट्स न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और डेज न्यूज को अलग अलग वीडियोस के अंदर। अभी आपका लगभग 95% के आसपास अप्रैल फर्स्ट वीक फिनिश हो जाएगा आज। और स्टेट्स की न्यूज जो कि कुछ होगी, 15-20 न्यूज होगी, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। और जो स्पोर्ट्स की न्यूज है वो हम फर्स्ट वीक की सेकेंड वीक के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। आज के देखते हैं लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर साइंस एंड टेक शुरू होता है। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों कंपनियों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है, जिसमें ये एक एआई सुपर कंप्यूटर बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टार गेट। अब इसको सिंपली आपको याद रखना है, स्टार तो आपको पता ही है और गेट, तो इस तरीके से आप इसको याद रख लो, स्टार गेट। और ये $100 बिलियन का इसका पूरा अमाउंट है, एक्सपेंडिचर जो भी जाएगा इसमें। तो अब इस न्यूज़ को डिटेल में देख लेते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने प्लान किया है फॉर स्टार गेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर डाटा सेंटर प्रोजेक्ट। सो एक प्रोजेक्ट है ये स्टार गेट नाम से, जो कि यूएसए में बनाया जाएगा और जिसकी कॉस्ट होगी $100 बिलियन। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन कौन सी कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया ओपन एआई के साथ, और क्या बिल्डअप कर रहे हैं स्टार गेट, वर्थ कितना है, कॉस्ट कितनी है, $100 बिलियन। और ये कब तक लॉन्च होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 2028 तक लॉन्च होगा ये, ठीक है। और ये फिफ्थ फेज होगा सुपर कंप्यूटर सीरीज की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फेज है सुपर कंप्यूटर सीरीज की, तो पांचवा फेज होगा, इसको भी ध्यान रखना है। अब जो एक स्मॉलर फोर्थ फेज सुपर कंप्यूटर जो भी डेवलपमेंट में चल रहा है वो लॉन्च हो जाएगा 2026 तक। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि फोर्थ फेज सुपर कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट और जो लॉन्च है वो कब तक हो जाएगा, तो वो 2026 अब याद रखना, और उसके 2 साल बाद फिफ्थ फेज सुपर कंप्यूटर सीरीज जो कि है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, मतलब वो शुरू हो जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखो, इंडिया का अगर आप आरआरबी पीओ का एग्जाम दोगे तो वहां पर क्वेश्चन पूछता है ये, और पूछ भी सकते हैं। तो परम सिद्धि एक सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, और ये अभी कहाँ पर प्लेस्ड है, ये है सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट कुछ करके है। तो इसकी पूरी फुल फॉर्म आप देख लेना गूगल पे, खैर वो तो इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ पर है, तो सीडैक इन पुणे है महाराष्ट्र, इसको ध्यान रखना, ठीक। सो आई आई गेस इसका ये है फुल फॉर्म, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सो ये आप ध्यान रखना, एडवांस कंप्यूटिंग है या कंप्यूटर है आप देख लेना। सो यहाँ पर ये प्लेस्ड है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए कि कौन सा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रहेगा, तो वो यूएसए का है जिसका नाम है फ्रंटियर। तो ये भी दोनों ध्यान रखना आप, डेटा आपके कंप्यूटर सेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके इस न्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोटोटाइप है, यानी कि फर्स्ट मॉडल है। प्रोटोटाइप का मीनिंग होता है फर्स्ट मॉडल। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अनाउंस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ सारा, SARAH, अ प्रोटोटाइप यानी कि एक फर्स्ट मॉडल है किस चीज के लिए, डिजिटल हेल्थ प्रमोशन टूल, आपके डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करता है और टाइम टू टाइम जो भी नेसेसरी रिकमेंडेशंस वगैरह होती है उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर पूरी न्यूज देख लेते हैं। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है सारा, जिसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, स्मार्ट AI रिसोर्सिस असिस्टेंस फॉर हेल्थ। तो फुल फॉर्म में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में पूछ सकता है फुल फॉर्म कि सारा में
फर्स्ट ए किया है या फिर सेकंड ए किया है या फिर आर किया है, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो इन पूरे एब्रिविएशन की फुल फॉर्म ना एक शीट पे अलग से लिख लेना ताकि आपको रिविजन में आसानी रहे, राइट है। सो स्मार्ट ए आई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ हो गया, इट्स फर्स्ट डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप यानी कि फर्स्ट मॉडल पावर्ड बाय जनरेटिव एआई, ठीक है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट था। अब ये जो सेआई है, ये जो सारा है, ये कौन बना रहा है? तो ये सोल मशीन्स करके एक कंपनी है, वो बना रही है। तो इसका नाम भी याद रखना आप, इसका नाम क्या है ध्यान रखना, सोल। तो ये सोल कंपनी है, तो उसने इसको बनाया है और ये 8 लैंग्वेजेस के अंदर है, ठीक है, 8 लैंग्वेजेस में है ये, तो ये भी आप ध्यान रखना। और ये मल्टीपल हेल्थ टॉपिक्स जो है उनके रिगार्डिंग बनाई गई है, और ये आपकी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करेगा यानी कि उसकी निगरानी करेगा, और आपको टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइंस होगी, सजेशंस होंगे, रिकमेंडेशंस होगी, वो दी जाएगी। WHO जो कि 1948 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना 1948 है, हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। और जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेडी घबराया यानी कि टेड्रोस घेब्रियेसस। और ये कहाँ के हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है WHO का, वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड, तो ये भी याद रखो जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो टेड्रोस घेब्रेसियस यानी कि जी से शुरू है घेब्रेसियस, तो घेब्रेसियस से जेनेवा, जी से जेनेवा, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अभी वर्ल्ड हेल्थ डे बना था तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग, तो 7 अप्रैल को बना था, डेट इसकी याद रखनी है। उसका टैगलाइन क्या था, माई हेल्थ माई राइट, यानी कि मेरी हेल्थ मेरा अधिकार, ये उसकी टैगलाइन थी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। थर्ड न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनके मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने लॉन्च किया है माई CGS ऐप। तो ये एक माई CGS ऐप है, अभी हमने इसके रिगार्डिंग एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें CGHS कार्ड को UID कार्ड से या फिर आभा कार्ड से किससे कोलैबोरेट किया था, किससे मतलब लिंक किया था, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स सही आंसर देते हैं। CGHS कार्ड को किस कार्ड से लिंक किया गया था, UID से या फिर आभा कार्ड से, तो ये बताना है आपको, ठीक है। तो माई CGHS ऐप लॉन्च किया है फॉर द आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम iOS फॉर CGHS बेनिफिशियरीज। तो CGHS बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है और ये उनकी हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह के रिगार्डिंग होते हैं। और तो इसको इनहेंस करने के लिए और जो भी इसमें डेटा होगा हेल्थ का, उसको एक्सेस करने के लिए, इजीली एक्सेस करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी, राइट। अब फोर्थ न्यूज देखते हैं। सो वेंचुरी एस्ट्रोलैब जो कि USA की है, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्टेड किया है अ लूनर रोवर प्रोटोटाइप। सो एक लूनर रोवर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ठीक है, और कंपनी का नाम है वेंचुरी एस्ट्रोलैब जो कि USA की है, तो ये भी याद रखना। ये जो रोवर है इसका नाम है फ्लैक्स, फ्लैक्स मतलब फुल फॉर्म इसकी है फ्लेक्सिबल लॉजिस्टिक्स एंड एक्सप्लोरेशन, तो ये भी याद रखो। तो फ्लेक्स रोवर का है, इसका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लॉजिस्टिक्स एंड एक्सप्लोरेशन। फ्लेक्स किस कंपनी ने बनाया है, वेंचुरी एस्ट्रोलैब जो कि USA की है, और ये एक लूनर रोवर है। और ये डिजाइन किस लिए किया गया है, ये नासा का एक अर्टेमिस प्रोग्राम है उसके लिए डिजाइन किया गया है ये, ठीक। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस न्यूज में बोल रहा है देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है और काफी न्यूज में भी रहती है। तो इन्होंने डिलीवर किए हैं 2 Dornier 228 planes। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो ये Dornier 228 planes है। तो ये एक कंट्री है गुआना, उसको डिलीवर किए हैं। और ये जो प्लेन्स है ये जाने जाते हैं अपनी रिलायबिलिटी के लिए, तो ये इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री को किस कंपनी ने ड्रोन दिए या फिर Dornier 228 planes कौन सी कंपनी बनाती है, तो वो आप याद रखना इसमें। तो नेक्स्ट न्यूज है,
इंडियन आर्मी ने एक इंडक्शन मतलब एक इवेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है आकाश तीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये आप याद रखना कि ये इंडियन आर्मी का है, कंफ्यूज मत होना एयरफोर्स और नेवी में से, आर्मी याद रखो, ए से आर्मी और आकाश तीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। और ये इन्हेंस करेगा यानी कि ये इजाफा करेगा एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज में, और ये डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। सो अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब इस न्यूज़ में बोल रहा है, एक मिनट, सो डीआरडीओ ने यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक फ्लाइट टेस्ट। इसका अग्नि प्राइम मिसाइल है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसका एक फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है डीआरडीओ ने। अब यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं। सो दो कंपनी है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है SFC स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और दूसरा है DRDO। इन दोनों के कोलेबोरेशन से सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि पी, अग्नि पी या अग्नि प्राइम कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो दोनों का नाम याद रखो, पी से प्राइम है। और ये कहाँ से सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है फ्लाइट टेस्ट, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा में है वहाँ से कंडक्ट किया गया है। आपसे आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। अग्निपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है, तो ये याद रखो सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख लो, S2S मिसाइल है और जिसकी रेंज है, तो एग्जाम में रेंज भी पूछ सकते हैं, 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये छठा वेरिएंट है इसका अग्नि सीरीज का, और ये डेवलप किया जा रहा है अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो IGMDP, ये याद रखो, इसके अंदर ये डेवलप किया जा रहा है। तो ये बेसिकली एक प्रोग्राम है, तो इसके अंदर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की सिक्स वेरिएंट है अग्नि सीरीज में जिसका नाम है अग्नि पी। जो अदर 5 मिसाइल्स है अग्नि सीरीज के अंदर वो कौन कौन सी, वो भी आप याद रखो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पृथ्वी, देन त्रिशूल और नाग, तो त्रिशूल और नाग को आप एक साथ याद रखो, और अग्नि और आकाश, ठीक है, तो पृथ्वी त्रिशूल नाग अग्नि आकाश एंड देन अग्नि पी, तो ये आपके 6 वेरिएंट है टोटल अग्नि सीरीज के। अग्नि पी मिसाइल यानी कि अग्नि प्राइम मिसाइल जो है वो वारहेड्स जो है वो 1.5 टन्स तक के कैरी कर सकती है, तो ये भी याद रखो। इसकी जो हाइट है वो 10.5 मीटर है और जो इसका डायमीटर है, गोलाई है, वो 1.2 मीटर है, तो ये भी दोनों आपको डिटेल याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में पूछ सकता है अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट उसको क्वेश्चन बनाना हो तो। DRDO के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीर कामत जी हैं, तो ये भी याद रखो, हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में है DRDO का, और इसरो का हेडक्वार्टर का है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सो आपको बताना है इसरो का हेडक्वार्टर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। यहाँ पर साउथ कोरिया, सो साउथ कोरिया कंट्री है, इन्होंने एक सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन डिवाइस है इनका जिसका नाम है के स्टार, तो के पॉप करके भी काफी फेमस है साउथ कोरिया में, तो उसी पे इन्होंने रख दिया के स्टार, जिसका नाम है कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस्ड रिसर्च, ठीक है, तो ये एक फ्यूजन डिवाइस है और जिसको आर्टिफिशियल सन भी बोला जाता है, ये आप इमेज में देख रहे हो ना, ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं, के स्टार आर्टिफिशियल सन। इसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन द न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, तो बेसिकली एक न्यूक्लियर फ्यूजन का एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसने बाय सस्टेनिंग अ प्लाज्मा लूप 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो इसमें जो टेम्परेचर था वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक रहा है, जो कि 48 सेकेंड्स तक का रहा है, तो 48 सेकेंड्स टाइम याद रखो कितने मिलियन डिग्री सेल्सियस था, 100 था, तो ये भी याद रखो, जो कि 7 टाइम्स हॉटर देन द कोर ऑफ सन, तो ये दोनों तीनों जो डेटा है इम्पोर्टेंट है। तो इस न्यूज में तीन चार चीजें इम्पोर्टेंट है, कौन सी कंट्री थी, साउथ कोरिया, नाम क्या था के स्टार, फुल फॉर्म इसकी थोड़ा बहुत देख लेना, वैसे फुल फॉर्म नहीं पूछा गया इसकी लेकिन आपको पता होनी चाहिए फिर भी, तो कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक एडवांस्ड रिसर्च,
और के स्टार को आर्टिफिशियल सन भी बोलते हैं। और इसके बाद 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक प्लाज्मा लूप इसने सस्टेन किया है 48 सेकेंड्स के लिए। और ये जो पूरा प्लाज्मा लूप है ये 7 टाइम्स हॉटर देन द कोर ऑफ द सन है, ये जो आर्टिफिशियल सन है। ठीक, सो अब देखते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब ये तो खत्म हो गई। सो नाइन्थ न्यूज़ में बोल रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स, सो हमारी जो हवाई आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उन्होंने रिसीव किया है डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड, यानी कि इंडिया में डिजाइन की गई है और डेवलप किया गया है इंडिया में ही क्रैश फायर टेंडर। तो ये जो आप देख रहे हो रेड वाला, ये है क्रैश फायर टेंडर। ये होता क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड फायर इंजन होता है। सो बेसिकली एक फायर इंजन है जो कि एयरक्राफ्ट रेस्क्यू या फिर फायर फाइटिंग के लिए यूज होता है एयरपोर्ट्स पे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्रैश फायर टेंडर है क्या। ठीक है, और ये बनाया किसने है, तो नोएडा यूपी में एक कंपनी है, एक एमएसएमई फर्म है, उसने इसको बनाया है। और टोटल जो वर्थ है वो 291 करोड़ रुपए आई है। और ये टारगेट है टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत गोल, जिसको हम विकसित भारत भी बोलते हैं, 2047 तक। तो ये भी आप याद रखो। ठीक है, अमाउंट है 291 करोड़ और इंडियन एयरफोर्स का है ये। अब हमारी ये सारी साइंस एंड टेक खत्म होती हुई अप्रैल फर्स्ट वीक की, अब हम चलेंगे एक्विजिशन एंड मर्जर्स पे पूरा फर्स्ट वीक अप्रैल का। अब ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्वायर किया है 26% स्टेक इन अडानीज मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट। सो अडानी का एक मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो रिलायंस ने उसके 26% स्टेक खरीद लिए हैं। और ये जो डील है इसमें 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यूज के बारे में है इस डील के अंदर। अब इस न्यूज को देखते हैं डिटेल में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट जो कि अडानी जी का है, सो इसमें रिलायंस ने 26% शेयर बाय किए हैं इस कंपनी के, और एग्री किया है टू यूज 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये याद रखो कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी और कितना स्टेक। तो 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय दिस फैसिलिटी। और ये पहली बार है जो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अब साथ में ये जो महान एनर्जी लिमिटेड है, जो कि सब्सिडरी है अडानी पावर की, तो महान एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है इसी डील के बारे में है, जो कि 20 साल की है, जिसमें ये 500 मेगावाट पावर परचेज एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि इन्होंने किया है। सो ये दोनों तीनों आपको डिटेल याद रखनी पड़ेगी। देखो ये जो प्रोजेक्ट की डील थी, तो इसमें 500 मेगावाट जो यूज करेंगे ये मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट अडानी जो कंपनी इनके साथ हुआ है, तो रिलायंस ने 26% स्टेक लिए है इसके। और इस पूरी डील को एक एग्रीमेंट के तौर पे जिसने किया है वो है महान एनर्जी लिमिटेड, जो कि अडानी पावर की है रिलायंस के साथ। ठीक है, सो ये न्यूज खत्म होती हुई अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। तो यहाँ पर एक वारबर्ग पिंकस एक कंपनी है, जिन्होंने अपने पूरे के पूरे स्टॉक जो कि 2.25% थे किसके, IDFC फर्स्ट बैंक में, तो वारबर्ग पिंकस कंपनी के 2.25 स्टेक थे, 2.25% स्टेक IDFC फर्स्ट बैंक में, वो इन्होंने बेच दिए हैं कितने रुपए के, 1195 करोड़ रुपए के। तो ये भी याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये कौन सी कंपनी के थ्रू सेल किए हैं, तो क्लोवर डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के थ्रू सेल किए हैं वारबर्ग पिंकस ने। अब ये जो IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO है, ये है वे वी विद्यानाथन जी। और टैगलाइन भी देख लो इसकी, ऑलवेज यू फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट बैंक हो गया तो ऑलवेज यू फर्स्ट इसकी टैगलाइन है, और MD CEO है वी विद्यानाथन। अब यहाँ पर देखो ICICI सिक्योरिटीज ने अप्रूवल रिसीव कर ली है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स टू मर्ज विद ICICI बैंक। तो ICICI सिक्योरिटीज को ICICI बैंक के साथ मर्ज किया जाएगा, बस इतनी सी न्यूज है। तो किसको मर्ज किया जाएगा, ICICI सिक्योरिटीज को मर्ज किया जाएगा, इतना ध्यान रखना। ICICI की फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। ICICI बैंक के MD CEO कौन है, संदीप बख्शी जी है, और चेयरमैन कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो
ये आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात हो रही है। एग्जाम में पूछ सकते हैं एमडी सीईओ कौन है, संदीप बख्शी, और चेयरमैन कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो ये डिटेल आप याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक रेगुलेट करता है कि किसका किसके साथ एक्विजिशन हो रहा है या फिर मर्जर वगैरह हो रहा है, तो इन्होंने अप्रूवल दी है द एक्विजिशन ऑफ अप टू 8% शेयर कैपिटल ऑफ एमजी मोटर्स। यानी कि जो इंडो एज इंडिया फंड स्कीम है, ये कंपनी है, इसको अप्रूवल दी है कि वो एमजी मोटर्स में 8% तक का शेयर कैपिटल ले सकता है। बस इतनी सी न्यूज है। फिफ्थ न्यूज देखते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव दिया है एक्विजिशन ऑफ सीरीज सी कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली एक्विजिशन किया है कि कुछ शेयर नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के ले सकता है आईएफसी। ये आईएफसी वर्ल्ड बैंक में आता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो आईएफसी जो है वो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के कुछ शेयर्स ले सकता है, और ये कितने हैं, 6% ऑफ द टोटल इशूड शेयर कैपिटल। तो ये बस दो तीन चीजें याद रखो इसके अंदर, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और आईएफसी जो है वो मेंबर है वर्ल्ड बैंक का, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो नेक्स्ट न्यूज में यहाँ पर बोल रहा है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव दिया है एक्विजिशन ऑफ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड एंड 100% शेयर होल्डिंग ऑफ ग्रीनको जेरोक। तो दो कंपनी है बेसिकली, एक का नाम है एनएफसीएल यानी कि नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है ग्रीनको जेरोक। इनके शेयर होल्डिंग और इनको एक्वायर कर सकते हैं कौन, एएमजी इंडिया। तो ये याद रखना बस आप, ठीक। और सेवंथ न्यूज है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दी है एक्विजिशन ऑफ 10.39% ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ अन्नपूर्णा फाइनेंस लिमिटेड बाय पिरामल ट्रस्ट फंड, जो कि 300 करोड़ की है, ठीक है। यानी कि पिरामल ट्रस्ट फंड ने एक्वायर किए हैं 10.39% शेयर जो कि 300 करोड़ के हैं, किसके, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के। तो इतना याद रखो। ये भी न्यूज खत्म हुई। अब लास्ट स्लाइड हमारी रह रही है, ये लास्ट की दो न्यूज है एक्विजिशन की। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड किया है एक्विजिशन ऑफ 100% इक्विटी ऑफ शेर खान लिमिटेड। तो शेर खान काफी फेमस रहा है एक टाइम पे, तो इसकी एक्विजिशन की अप्रूवल दी है। और एक दूसरी कंपनी भी है जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये इन दोनों कंपनियों के जो एक्विजिशन है वो कौन करेगा, वो एक कंपनी करेगी, मीरा एसेट कैपिटल। तो ये आप याद रखना, मीरा एसेट कैपिटल एक कंपनी है जो इन दोनों के शेयर होल्डिंग को एक्वायर करेगी। सो ये न्यूज यहाँ पर खत्म होगी, 8th वाली। अब हम चलते हैं लास्ट न्यूज में आज की। तो यहाँ पर लिबर्टी मीडिया एक कंपनी है जिसने एक्वायर किया है 86% स्टेक, हम बोल सकते हैं, एक डोर्ना स्पोर्ट्स कंपनी है जो कि स्पेन की है, ठीक है, स्पेन की कंपनी है डोर्ना स्पोर्ट्स। इसके 86% जो स्टेक्स वगैरह होंगे वो एक्वायर करेगा लिबर्टी मीडिया। और ये जो डोर्ना स्पोर्ट्स है, ये एक कमर्शियल एंड टेलीविजन राइट्स होल्डर है ऑफ मोटो जीपी, यानी कि जो ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग वगैरह होती है उसमें जो टेलीविजन राइट्स वगैरह होता है वो इस कंपनी के पास है। सो ये न्यूज यहाँ पर खत्म होती हुई। तो ये जो न्यूज है ये ना थोड़ी सी रटने वाली न्यूज है कि किसने किसको एक्वायर किया, कितनी शेयर होल्डिंग थी। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इसको बस रिवीजन करते रहना, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। फालतू का एग्जेजरेट करने का कोई वो मतलब नहीं बनता, आपका टाइम खराब होगा। जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है समझने वाली, वो कुछ बैंकिंग की होती है, आरबीआई की होती है, नेशनल होती है, कुछ इंटरनेशनल होती है, और कुछ स्टेट्स की अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो। बाकी तो सब रटने वाली होती है, जैसे साइंस एंड टेक की, कौन सी कंट्री ने कौन सा क्या लॉन्च किया, किसने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया, ये वो, तो सब रटना है आपको और रिवीजन करते रहना है। सो यहाँ पर हमारा पूरा अप्रैल फर्स्ट वीक फिनिश होता हुआ फाइनली। अब हम अप्रैल सेकेंड वीक फिनिश करेंगे, और हम जल्दी ही आएंगे अप्रैल सेकेंड वीक की सीरीज लेके, और हम नेशनल से शुरुआत करेंगे अगेन। देन हम जाएंगे आरबीआई पे, देन बैंकिंग पे, देन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, देन अगेन। और अप्रैल सेकेंड वीक में हम
अप्रैल फर्स्ट वीक की इकोनॉमिक्स की न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। तो अप्रैल सेकेंड वीक की सीरीज में अप्रैल फर्स्ट वीक प्लस अप्रैल सेकेंड वीक दोनों की जो इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है वो हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी अभी तक अलग से नेशनल की पार्ट वन और पार्ट टू, तो जाके देखो चैनल पे। और आरबीआई की न्यूज़ है, सेपरेट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए, तो एग्जामिनर की फेवरेट न्यूज़ होती है, ये भी जाके देखो लेक्चर में। और बैंकिंग न्यूज़ है, राइट। अब हम आते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी अच्छे से अवॉइड करो, टाइम बहुत कम है, और जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उसका मल्टीपल टाइम्स रिविजन भी करना है आपको। अगर रिविजन नहीं करोगे अभी तो बाद में जाके आपके लिए हेडेक हो जाएगा, मैं आपको पहले से ही वॉर्न कर रहा हूँ। तो रिविजन करो अच्छे से, और बाबू सोना मोना अभी कम करना, एग्जाम टाइम है तो टाइम को बैलेंस करना, और बी सीरियस एग्जाम के लिए, सिलेक्शन ले लो, फिर जो मना है वो करना, घूमना फिरना शॉपिंग करना अच्छे से, और एक कंटेंट पे स्टिक रहना। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए, बैंकिंग के, ये ओपन चैलेंज है मेरा, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब इनफ रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा इन डेप्थ करवा रहा हूँ जितना जितना रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए आपके। और नोट्स मत बनाना, नोट्स में टाइम खराब मत करना, ऑलरेडी हम इतना टाइम लगा के आपके लिए नोट्स पीडीएफ बना रहे हैं। तो चैनल पे जाना या फिर ग्रुप में जाना टेलीग्राम पे, वहां से इस पूरे लेक्चर की फर्स्ट वीक की जो पीडीएफ होगी वो डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। 16-17 उसमें कुछ पेज होंगे और उसमें पूरे अप्रैल फर्स्ट वीक की इन डेप्थ न्यूज होगी जो हमने कवर किया है लेक्चर्स के अंदर। और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियोस, लेक्चर्स सारे जितने पसंद आए, मटेरियल भी, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो @rightapproach_banking, और बैंकिंग की जगह यूट्यूब लिख दोगे तो आप डायरेक्टली चैनल पे आ जाओगे, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस वंस अगेन। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से मेहनत करो, मिलते हैं जल्दी।